21 मार्च को तीन जगह हमारा अधिवक्ता उनके पक्ष में दाखिल किए थे, बाराबंकी कोर्ट में, बांदा की कोर्ट में, आजमगढ़ की, तीनों जगह से तलब भी की गई, रिपोर्ट भी तलब की गई। तो पेंडिंग है और अब क्या जमा होगा और क्या कमेटी बना दी गई है बता देंगे कि नहीं। हार्ट अटैक से थिंग इज इशू क्या है, हम आशंका नहीं बना पाए। हमने साफ साफ अपने लेटर में ये कहा है कि हमें शक नहीं है, हमें यकीन है कि हमें स्लो पॉइजन दिया जाएगा। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो, एक खाना खाने के बाद उसकी तबीयत बिल्कुल निहाल होने लगे, गिरने लगे, उसे समझ आ जाए। हम विधायक जी पर ये हमने जहर का भी हमला पहले भी हो चुका है, पहले भी उनको हार्ट अटैक आया था, पीजीआई में कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल ये स्लो पॉइजन दिया गया है। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये संयोजित हत्या है। लेकिन आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब आपके पास क्या एविडेंस? प्रूफ करने वाले हम कहाँ हैं? प्रूफ तो हम करेंगे, हम अगर प्रूफ कर सकते हो तो हम माननीय न्यायालय से क्यों कहते हैं इसकी बात। देखिए, आप जुडिशियल कस्टडी, जेल, खाना आप नहीं देते हो, आप यानी जेल प्रशासन रखते, आप हॉस्पिटल आप हमें दो दो बार लेते, हम प्रूफ नहीं कर पाए। जितनी रिपोर्ट्स हैं, एक ब्लड रिपोर्ट आज तक उन्होंने साझा की, क्योंकि मान एक न्यायालय ने तो आज की डेट के लिए उनकी तलब की थी रिपोर्ट, और कल रात में उनका इंतकाल हो गया। कौन सी रिपोर्ट तलब की थी? पॉइजनिंग वाली? हाँ जी, पॉइजनिंग वाली अपनी एप्लीकेशन में उस पर उन्होंने जेल से रिपोर्ट तलब की। आपने अभी तक क्या उपचार किया, क्या ब्लड रिपोर्ट आया, ब्लड रिपोर्ट में क्या मेटल की रिपोर्ट आई है, क्या एंटीबॉडी में लेट या और कोई मेटल पाया जा रहा है, जो फिजिकल चीज़ ये बात जो हुआ सबके सामने। और एक आदमी जिसे आप खुद बीमार मानकर आईसीयू ले गए 26 तारीख, आईसीयू का मतलब है कि आप वहाँ सीरियस गंभीर हालत में आपको माना गया था, नहीं है, और 12 ही घंटे में उस इंसान को बिल्कुल स्वस्थ मानकर, फिट मानकर और भेज दिया गया वापस तन्हाई बैरिक में। वो करना ये था कि उस जहर का असर हो, और अगर नहीं हो पाया है किसी कारणवश तो फिर रह दिया जाए ताकि ये किस्सा ख़त्म हो। और वही हूँ, दोबारा जेल भेजा गया। अभी आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी कुछ हुआ? नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वतंत्र रूप से डॉक्टरों को उपचार नहीं करने दिया। अगर डॉक्टरों को केयर करने दी जाती तो वो रखते। आपने कभी सुना है कि आईसीयू से कोई इंसान वार्ड में नहीं जाएगा, आईसीयू से वो तन्हाई बैरिक में जेल भेज दिया जाएगा? कहीं सुना ये किसी अकल में आने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। कोई भी जो जेनुइन आदमी होगा वो ये कहेगा कि अकल में आने वाली बात नहीं, जेल से आईसीयू और आईसीयू से 12 ही घंटे बाद वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है वापस, क्या तमाशा। और एक दिन उन्होंने जैसे तैसे उस जहर के असर से अपनी रात बिताई। 3:30 बजे मेरे ऊपर टेलीफोन आया, जो आपके ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो क्या, वो क्या कॉन्वर्सेशन क्या है? परिजनों को सुविधा दी गई है, 5 दिन हफ्ते में बात कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए बंदी हो। तो मेरे फादर मुझसे बात करते हैं, लाल बहादुर सांसद जी से बात करते हैं, कभी मुझसे कभी मुझसे। उस दिन 3:30 बजे मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं कचहरी में ही हूँ, परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से कि आपसे मिलने आ सकूँ, कल आऊँगा आपसे। वो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहीं ना कहीं उनको एहसास था अपनी तबीयत को लेकर, और वो रिकॉर्डिंग में बोल नहीं पा रहे, आवाज़ उनकी सही से मुझे नहीं सुनाई दे रही। कई बार मैंने कोशिश की है समझने की, मतलब बहुत गौर से ध्यान से सुन रहा था, इतना धीरे बोल। और फिर उन्होंने बताया कि मैं VC पे आया और मैं बेहोश हो गया। फिर मैं मतलब कॉल वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस जी पैरिक से निकाल करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूम बनाया गया, वहाँ लेके आते हैं, व्हील चेयर पर लेके आए, वो उसमें भी बेहोश हो गए। फिर ड्रिप चढ़ी, थोड़ी देर बाद होश में आए,
किसी को मैंने कॉल किया जिसपे उन्होंने सब बातें मुझसे कही और ये भी कहा कि तुम कल मत आना मुझसे मिलने, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि व्हील चेयर पर भी अपनी बाइक से निकल के आ पाऊँ। सब आपने कहीं ना कहीं उन्हें एहसास अल्लाह ने करा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी होगी तो जिस्म तो रहेगा और रूह भी रहेगी, और ज़िंदगी नहीं होगी तो जिस्म रह जाएगा रूह मेरी चली जाएगी। ये उनके आखिरी लफ्ज हैं जो उन्होंने मुझे बोले। कब पास हुई? कल हुई, 3:30 बजे। कल दोपहर हुई? कल दोपहर में 3:30 बजे की बात हुई, और मुझे लगता है कि मगरिब बाद जैसा कि न्यूज़ के माता आधिकारिक रूप से तो कुछ बताया नहीं, न्यूज़ से ही पता चला 8 बजे के करीब अटैक आया है। उनको लेके जाया जा रहा था या इंतज़ार किया जा रहा था कि जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब लेकर जाएं हॉस्पिटल। ये तो अब अल्लाह जानता है या जिनके साथ ये बीता होगा कि उस तनहाई बहरिक में क्या हुआ, वो कितनी देर बेहोश पड़े रहे, कितनी देर दिल का दौरा उनको पड़ा, उनको ब्रेन हैमरेज भी हुआ ऐसा मुझे लग रहा, डॉक्टर्स की टीम भी उसमें आपके सामने हुआ है आज। इसमें मेरे सामने नहीं हुआ है पहली बात तो, मैंने आपत्ति भी की थी कि पोस्टमार्टम मुझे यहाँ की चिकित्सा प्रणाली पर प्रशासन पर शासन पर नहीं, एम्स दिल्ली के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन क्यों खराब देंगे आपकी मदद? ये तो प्रशासन बताए, ये तो जो लोग कराए हैं वो बता पाए, मैं कैसे बताऊँगा। आप क्यों चाहते थे कि एम्स में क्यों भरोसा नहीं आपको यहाँ? नहीं बिल्कुल, मैंने स्पष्ट लिखा है, मुझे 26 तारीख को बुलाया गया है कि आपके पिता की तबीयत खराब है आप आइए। मैं गया हूँ, मुझे ICU में से शीशे में से ताकने भी नहीं दिया गया कि देख लूँ कि जीवित हैं स्वस्थ हैं ठीक है, कुछ बोलना तो दूर की बात है। मैंने कहा मिलवा नहीं रहे हैं एडिशनल SP साहब, तो कम से कम देखने तो दे दीजिए, आँख से देख लूँ वो शीशे के उस पार है मैं शीशे के इस पार है, कुछ बात भी नहीं हुई, आपको क्या खतरा? लेकिन नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई इंसानियत नहीं। और सरकार तो कहेगी कि 9 डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव करने की कोशिश की, सरकार इसका क्या जवाब देगी कि 12 घंटे ICU में रखने के बाद कोई व्यक्ति वार्ड में नहीं शिफ्ट किया जाएगा, उसको वापस तनाई बैरिक में भेज दिया जाएगा, कोई जवाब है इसका? सरकार इसका क्या जवाब देगी कि जहर दिया गया है, वो व्यक्ति 19 मार्च की रात से कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया और 28 तारीख यानी 10 दिन बीत जाता है, उसके लिए क्या हुआ? कुछ भी सिरप प्रिजर्व किया होगा उसकी रिपोर्ट आएगी। आप किया रिपोर्ट मैंने आपसे जन्नतुल फिरदौस में मुकीम बना। आमीन।